यार ये कि बिनास का अकाउंट जो है हमारा बहुत अंडर रिव्यू आ गया है। अंडर रिव्यू आने की प्रॉब्लम क्या है, इसका सलूशन किस तरह करना है, आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बिनास का जो अकाउंट है वो आपका अंडर रिव्यू क्यों आता है, यहाँ पर दो से तीन दिक्कत है। एक तो भाई आप लोग स्टेप जो फॉलो करते हो उसमें आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड आप लोग अपना सही करके एंटर नहीं करते, ठीक है। उसके अलावा एक इशू ये आता है कि आप लोग स्टेप तो कर देते हो बट कुछ स्टेप होते हैं जिसको करने के बावजूद बिनास में बहुत सारे लोगों ने अकाउंट अप्लाई किया होता है, तो इस वजह से आपका अकाउंट लटक जाता है, मतलब आपका अकाउंट यहाँ पर रुक जाता है, रिव्यू नहीं होता। तो उसको भी किस तरह फिक्स करेंगे, इस तरह के कुछ एरर आते हैं। कुछ लोगों का आता है कि 5 मिनट के बाद तुम लोगों का जो अकाउंट है वो अंडर रिव्यू से हटा दिया जाएगा, और कुछ लोगों का आ जाता है भाई आप लोगों के इस डेट तक हटा दिया जाएगा। बट अगर आप उनके सिनेरियो में इस तरह है, दोनों का नहीं आ रहा, आप लोगों का इस तरह आ रहा है कि पेंडिंग रिव्यू 3 से 7 दिन, तो इस प्रॉब्लम को सबके सोल्यूशन क्या है, इसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं किस तरह फिक्स करना है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जितने भी स्टेप हैं उनको अगर आप लोग फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप तभी आप लोगों का अकाउंट फिक्स हो जाएगा। इसमें तमाम एरर लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के मुझे स्क्रीनशॉट लोगों ने सेंड किए थे, आप लोग देख सकते हो। वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल आ रहा है, ये कुछ इस तरह के एरर आ रहे हैं, किसी का 7 दिन दिखा रहा है, किसी का 2 दिन दिखा रहा है, किसी ने 5 दिन हो चुके हैं अप्लाई किए हुए इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आप लोगों का अकाउंट जो है वो ना ही आप लोगों का वेरीफाई हो रहा है और अनसक्सेसफुली आप लोगों का अकाउंट क्रिएट भी नहीं हो रहा। जिस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई आप लोगों का अकाउंट क्रिएट करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत का सलूशन क्या है, किस तरह करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 सोल्यूशन बताऊंगा, तो अगर आप इनमें से एक को भी सही करके फॉलो करते हो तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो 24 घंटे से अंडर आप लोगों का अकाउंट रिव्यू भी होगा और आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो फिक्स भी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि बिनास का अकाउंट आप लोगों का एक दिन में नहीं क्रिएट होता, आप लोगों का बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक दिन में क्रिएट हो जाए, ठीक है। सबसे पहले तो भाई बिनास के एप्लीकेशन को अपडेट करो प्ले स्टोर से, ठीक है। यहाँ पर अपडेट करने के बाद आप लोगों ने जस्ट ओपन करनी है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन नहीं करने से चाहिए, अपडेट कर लेनी है सबसे पहले। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करो, इसको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ऐप रिव्यू या ऐप सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। ऐप सपोर्ट के ऊपर आओ, यहाँ पर एक वेबसाइट का ऑप्शन दिखा रहा है और एक ईमेल का दिखा रहा है, तो आप लोगों ने ईमेल वाली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें पूरा एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा बिनास टीम को, ये मैसेज तब सेंड करना जब आप लोगों के 1 से लेकर 2 से लेकर 10 दिन हो चुके हो, ठीक है। ऊपर आप लोगों ने वही जीमेल सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने अकाउंट बनाया, ये बात याद रख लेना, ठीक है। वो भी मैं बता दूंगा, अगर आप लोगों को नहीं पता कि अकाउंट कौन सी जीमेल पे बनाया है वो भी बता दूं। अब यहां पर ये मैसेज जो मैं टाइप कर रहा हूं यही मैसेज आप लोगों ने भी टाइप करना है। इसका मैसेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट यहां पर आप लोगों को कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो भी आप लोगों को बता देता हूं भाई आप लोगों को क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। और यहां पर आप लोगों को अगर ये स्टेप फॉलो करोगे तो आप लोगों को कितनी देर में रिप्लाई मिलेगा और आप लोगों का अकाउंट कितनी जल्दी, आप लोगों का जो अकाउंट है वो प्रॉब्लम आप लोगों की फिक्स हो जाएगी। देखो सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बिनास अकाउंट, सिंपल स्टेप है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर ये लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने अकाउंट में बताना है कि भाई कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, अंडर रिव्यू आ रहा है या वेरिफिकेशन, मतलब आप लोगों की जो है वेरिफिकेशन है वो फेल हो चुकी है, तो मेरा जो अकाउंट है इसमें इस टाइम जो एरर आ रहा है वो एरर आ रहा है भाई अंडर रिव्यू, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर वो एंटर करना है जो आप लोगों का एरर आ रहा हो, ठीक है। तो ये पूरी मेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके और आप लोग ऐड कर सकते हो, बट अभी हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों ने ऐड करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ऐड करने के लिए ऊपर जाना है और अट्रैच फाइल के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप टॉप पे क्लिक करोगे, लिंक टाइप बना होता है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को फ्रॉम फोटो से भी दिख रहा है, फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ड्राइवर से भी दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ही क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले बताया था आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना जो आप लोगों का एरर आ रहा है, ठीक है। बाद में बिनास एप्लीकेशन आप लोगों को एरर देखने को मिलता है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सको। यहाँ पर आप लोगों ने वही स्क्रीनशॉट ऐड करना है। अब अनवेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को अलहदा स्क्रीनशॉट ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोगों का एरर आ रहा है अंडर रिव्यू, उसके लिए आप लोगों को अलहदा स्क्रीनशॉट, जो भी आप लोगों का स्क्रीनशॉट है आप लोगों ने वही ऐड करना है, ठीक है। अगर आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने जो ऐड किया, पहले मैंने अंडर रिव्यू पर किया था बट अंडर रिव्यू में नहीं आ रहा, मेरा इस टाइम आ रहा है आप लोगों का जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हो रहा, ठीक है। बिनास का अंडर रिव्यू आ रहा है, आप लोगों का अनवेरीफाई अगर आ रहा हो तो आप लोगों ने वही स्क्रीनशॉट ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये जो मैसेज है आप लोगों को सिंपल दिख जाएगा, बट आप लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट नाम भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोगों ने चेक कर लेना कि जीमेल की जो आईडी है आप लोगों ने वो सही करके लिखी है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर ये बिजनेस डेज, आप लोगों को 7 बिजनेस, वैसे 5 बिजनेस डेज होते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, बट ये आप लोगों के बस का 2 वीक भी लगा देता है, क्योंकि इसमें एरर में बहुत सारे अकाउंट ऑलरेडी वेरिफिकेशन के लिए इनके पास सेंड हुए होते हैं, तो इस वजह से एरर आजकल आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, आप लोगों ने अपने ये लिख लेना है सिंपल भाई मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा था, ठीक है, मेरा अकाउंट में ये एरर आ रहा है, आप लोगों ने एक दफा इसको पूरी डिटेल में लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने बता देना कि कौन सी डेट को आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना शुरू किया था, जिस तरह अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10 मैं लिख देता हूँ, कोई भी डेट जो
जिस पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था करना है। आप लोगों ने अगर मैंने पहले बताया कि बिजनेस डे से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो तब आप लोगों ने यहाँ पर डेट भी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डेट लिखने के बाद नीचे अपने अकाउंट का नेम भी लिख देना है, ठीक है। वो भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों ने अकाउंट का नेम किस तरह लिखना है, ठीक है। अकाउंट नेम लिखने के लिए जस्ट आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपना जो अकाउंट आपको क्रिएट करे थे जिस नेम पे आप लोगों ने वो लिख देना है। यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों के कितने दिन हो चुके हैं। वैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5 से 10 दिन आप लोगों ने वेट करना पड़ता है, बट अगर आप लोगों के इससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, वीक हो चुके हैं, 2 से 3 या 3 से 4 वीक हो चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पर मेल पर अपना टाइम भी लिख दोगे, ठीक है। क्योंकि बाद लोगों का मंथ भी लग जाता है इसको अकाउंट को वेरीफाई होने में। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से आती है क्योंकि आप लोग या तो अपने आधार कार्ड या आईडी कार्ड को सही करके एंटर नहीं करते, इस वजह से आप लोगों को एड देखने को मिलता है मेनली आप लोगों को, या आप लोग कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोग सही करके एंटर नहीं करते, वेरिफिकेशन में बहुत स्कॉट आप लोगों का एरर आ जाता है। लोग अपनी जो फोटोज ऐप ऐड करते हैं उसको आप लोग सही करके ऐड नहीं करते, इस वजह से भी आप लोगों को एरर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग जैसे कि मैंने भी ये पूरा लिख दिया, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, बट आप लोगों ने यहाँ पर एडिट करना होगा। आप लोगों की अपना टाइम आप लोगों ने जो भी आप लोगों का हो चुका है, जितने दिन हो चुके हैं आप लोगों ने वो लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने भी जो हुआ है मेरे 10 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अगर इस स्टेप को फॉलो करोगे उसके बात आप लोगों ने क्या करना है, ये तमाम मैसेज तो लिख लोगे। उसके बाद अगर आप इंडिया पाकिस्तान से हो तो यहाँ पर आप लोगों ने वो भी अगर लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, बट आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे एंड पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं अकाउंट का नाम लिख रहा हूँ, जो भी अकाउंट का आप लोगों ने नाम लिखा होता है, या 123 या 113367, जो भी आप लोगों का अकाउंट का नाम था आप लोगों ने वो सही करके एंटर कर देना है अगर लोगों के पास अकाउंट का नाम पता है, वरना आप लोगों की जीमेल के थ्रू भी ये लोग चेक कर लेते हैं। बट अगर जीमेल आप लोगों की गलत हो तो अकाउंट नेम के थ्रू ये आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई कर लें, ताकि उसके बाद ऊपर आप लोगों को टॉप के ऊपर एक सेंड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों ने सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, स्क्रीनशॉट याद करना, जरूर ऐड करना, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम जल्दी से फिक्स हो जाए। ये सेंड करने के बाद अगर आप लोगों की 24 आवर्स में आप लोगों को जीमेल में आप लोग दोबारा हो गए, ठीक है, 24 घंटे के अंदर, बस करके 10 मिनट में भी आ जाता है, बट 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को इनकी तरफ से मेल आ जाएगी, वही अकाउंट ओपन करना। अगर आपके पास एक ही जीमेल है तो आप लोगों की सिंपल आप लोग वही ओपन कर लोगे, बट अगर आपके पास बहुत सारी जीमेल है तो उसके ऊपर आओ, सेंड पे देखो, यहाँ पर आप लोगों को सेंड में आप लोगों को जो मैसेज है पहले सेंड हुआ है या नहीं, ठीक है। ये आप लोगों ने उसी टाइम जैसे सेंड मैसेज करोगे उसी टाइम, ये तो उसी टाइम चेक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को मेल आ जाएगी, आप लोगों की जो प्रॉब्लम क्या है उसका क्या सोल्यूशन है वो आप लोगों को और बता देंगे, अगर आप लोगों के क्या एरर आ रहा है आपके स्पेशल अकाउंट में। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम तब भी फिक्स नहीं होती, सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों ने यार किसी के वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट किया तो उस वजह से भी बहुत एरर आ रहा है, मेरी वीडियो देख के अकाउंट क्रिएट करो, एक एक स्टेप मैंने बताया, और जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया उस तरह आप लोगों को मैंने उसमें बताया। उसके लिए आप लोगों ने जस्ट क्रिएट बिनांस अकाउंट, उसके आगे आप लोगों ने लिख देना है तैयब टिप्स। तो आप लोग तैयब टिप्स लिखोगे फ्रंट पे, फर्स्ट वीडियो जो आएगी वो मेरी होगी, आप लोग इसको वॉच करो, इसमें 8 मिनट में एक एक स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप लोगों ने चेक कर लेना है अगर आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो किए या नहीं किए, या आप लोगों को पता लग जाएगा।